आज हम एक आयताकार साइज का डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज ग्रीन कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। ग्रीन कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और एक हिस्से पर नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के अंदर से साड़ी का पीस निकालते हुए नोट लगाते हुए एक रस्सी की गुथाई कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार नोट की खिंचाई लूज रूप में करनी है। रस्सी की गुथाई लूज रूप में करनी है हमें। इस प्रकार से एक रस्सी की गुथाई कर लेते हैं। जितना बड़ा हम डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ी एक रस्सी की गुथाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 21 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई किया हूँ। 21 नोट लगाकर 21 नोट। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और लास्ट में जो लूप बनी हुई है उसके अंदर से सेफ्टी पिन निकालकर रस्सी को निकालकर रस्सी को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार रस्सी को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से रस्सी को टर्न कर लेते हैं और एक फंदे को छोड़ते हुए नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। फर्स्ट फंदे को छोड़ते हुए अब बीच में एक फंदे को छोड़ेंगे और नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए फंदों की खिंचाई लूज रूप में करनी है वरना डोरमेट में झोल पड़ जाता है। इस प्रकार से यह एक लाइन पूरी कर लेते हैं। रस्सी को इस प्रकार से टर्न कर लेते हैं। अब गैप वाली जगह पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। जहां पर गैप बना हुआ है उसमें एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार का डोरमेट साड़ी की पट्टी से बना सकते हैं और टी-शर्ट की पट्टी से भी बना सकते हैं। किसी प्रकार की पट्टी से बना सकते हैं। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से यह लाइन पूरी कर लेते हैं।
इस प्रकार से डोरमेट को टर्न कर लेते हैं और गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। पूरे डोरमेट में यही नियम चलता रहता है। इस नियम के अनुसार ही डोरमेट की उठाई करते रहते हैं। जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं इस नियम के अनुसार। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। आयताकार साइज का डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।